हाय एवरीवन, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्सिंग का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क डन इन पार्सिंग आर, क्या क्या पार्सिंग में टास्क किया जाता है देखते हैं। ऑप्शन है डिटरमाइन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग, ऑप्शन बी चेक द वैलिडिटी ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। पहले तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए पार्सिंग है क्या थी, पार्सिंग हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ये जो पार्सिंग है, पार्सर बोलिए या पार्सिंग बोलिए, सेम ही चीज है। पार्सर जो हम लोग यूज करते हैं आपका दो टाइप का होता है, क्या क्या, टॉप डाउन और दूसरा क्या होती है बॉटम अप। ये दो पार्सर होते हैं। पार्सर में भी जब हम लोग यूज करते हैं तो पार्सर का काम क्या है, पार्सर दैट मीन्स अगर आप फेजेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटरमाइन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग या चेक द वैलिडिटी ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग, दोनों होगा या एक भी नहीं होगा। तो देखिए आपको सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की बात करिए, मतलब फेजेस की बात करें, पार्सर का डिटेल्स में वो नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी वो किस चीज की बात करे। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर ऐसे मैंने पूरा लिया है, आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, पूरा मैंने डिटेल्स में 15-20 मिनट्स में उसको एक्सप्लेन की है। फेजेस ऑफ कंपाइलर ऐसे, इसमें भी मैं आप लोग को बता रही हूँ, फेजेस ऑफ कंपाइलर में सबसे पहले क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस। फिर आती है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस के बाद आती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, है ना, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर कोड जनरेटर। ये 6 फेजेस होते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर में। तो यहाँ पे जब भी बोलेगा लेक्सिकल एनालिसिस में हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट कैरेक्टर को लेते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट होती है, आउटपुट क्या निकलती है टोकन्स, दैट मींस हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं एक एक चीज को रीड करने के लिए टोकन्स। जब मैं लेक्सिकल एनालिसिस बताऊंगी तो टोकन्स के बारे में आप लोग को डिटेल्स में बता दूंगी। टोकन्स एज अ इनपुट कौन लेगा, सिंटैक्स एनालिसिस, और आउटपुट क्या जनरेट करता है पार्स ट्री। पार्स ट्री को नॉर्मली वो जनरेट करता है जो भी चीज यहाँ पे टोकन्स में है, सपोज ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है एस इक्वल टू, तो क्या करेगा यहाँ पे जनरेट करेगा ए प्लस बी प्लस सी को एज अ पार्स ट्री। हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लेफ्ट सब ट्री लेंगे या राइट ट्री लेंगे। अगर मैं लेफ्ट सब ट्री लेती हूँ तो ए प्लस बी पहले आएगा, फिर उसके बाद में जो भी आएगा उसके बाद क्या करेंगे ए प्लस बी, इन तीनों को हम लोग स्टोर कर देंगे सपोज T1 बोल के एक वेरिएबल पे। फिर ये जो स्टोर हो गया ए प्लस बी सम होके यहाँ पे T1 के साथ किसको ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे, T1 प्लस सी। फिर इसको हम लोग नेम क्या देंगे, अब S में हमको स्टोर करना S लिखे या T2 लिखे, इस टाइप का हम लोग का पार्स ट्री जनरेट होती है। ये हम लोग क्या हो जाएगा लेफ्ट पार्स ट्री हो जाएगा, और राइट मोस्ट पार्स ट्री होने से फिर राइट साइड हमको सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये चीज है पार्स ट्री। तो पार्स ट्री जनरेट करती है कौन, सिंटैक्स एनालिसिस। अब सिमेंटिक एनालिसिस क्या करेगा, ऐसा इनपुट लेगा पार्स ट्री को और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, वेरीफाइड पार्स ट्री। वो वेरीफाई करता है कि ये जो पार्स ट्री जनरेट हुई है ये आपका मीनिंगफुल है कि नहीं, ठीक है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं, उस चीज को ही फॉलो करने के लिए हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस का बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्सिंग की बात कर रही है, पार्सिंग मतलब वो सिंटैक्स एनालिसिस की बात कर रही है। तो सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, डिटरमाइन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग। सोर्स स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जो हमने कैरेक्टर्स लिया गया है जो टोकन्स में कन्वर्ट हुए हैं उसको क्या सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर वेरीफाइड करता है, सिंटैक्टिकली डिटरमाइन मतलब वो डिटरमाइन कर पाता है। ये पार्स ट्री जनरेट कर रही है ना, कौन जनरेट कर रहा है, सिंटैक्स एनालिसिस, तो फर्स्ट वाले करेक्ट। चेक द वैलिडिटी ऑफ अ सोर्स स्ट्रिंग, यस वो क्या करता है, चेक भी करता है वो वैलिडेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिमेंटिक भी आ जाता है ना, तो सिमेंटिकली का काम होता है कि वो वैलिड है कि नहीं है सोर्स स्ट्रिंग, वो चेक करने का काम सिमेंटिक का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं पास्ट। और यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग जनरेट करते हैं। तो ऐसे ये भी सिंटैक्स एनालिसिस के लिए ट्रू है, क्योंकि जब तक जो मेरा स्ट्रिंग है अगर वो सही नहीं होगा तो हम उसको पास्ट में जनरेट कैसे करेंगे, दिस इज ट्रू, ओके। तो यही वजह है कि जो डिटरमाइन करता है सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है पार्स ट्री, वो क्या सोर्स स्ट्रिंग का डिटरमाइन कर पाता है, यस
सेकंड क्या है, वैलिडेट कर पाता है ट्रू, किसको, सोर्स स्ट्रिंग का पार्ट का, सोर्स स्ट्रिंग मतलब जो कैरेक्टर से टोकन्स, टोकन्स सोर्स स्ट्रिंग को क्या वैलिडेट कर पाता है, यस, किसके थ्रू करेगा, पार्ट स्ट्रिंग के थ्रू करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दो प्लस है, अब ये जो दो प्लस है हम कौन सा प्लस को पहले करें, लेफ्ट साइड को करें या राइट साइड को करें, दैट मीन्स ये जो बी है ना मेरा बी, बी को हम किधर ऐड करें, पहले हम लेफ्ट साइड वाले प्लस पे करें ऑपरेटर पे या राइट साइड वाले, तो इस चीज को वैलिडेट करने का भी काम कौन करता है, सिंटेक्स एनालिसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ होगा ए एंड बी, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।